एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो ECS T10 का आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा मलो और टीम टाइगर पुर्तगाल के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती हैं, आपको पता है हर मैच की। और आज का जो अपना पहला T10 का मैच था, अपना अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया था, सारे भाइयों ने बहुत खतरनाक विनिंग की थी। इस मैच में भी कुछ उसी प्रकार की उम्मीद रहेगी। बस आपको करना कुछ नहीं है कि फाइनल टीम अगर आपको चाहिए और बैटिंग ऑर्डर चाहिए और न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे इस मैच के बारे में। 5 बजे मैच स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है, बैलेंस सरफेस है, एवरेज स्कोर 100 से 120 बनता है। 36 मैचेस हो चुके हैं, 18 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 18 मैचेस हुए हैं, मतलब टॉस का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। टीम टाइगर्स पुर्तगाल की टीम की बात करूँ तो 6 में से सिर्फ एक मुकाबला जीती है, 5 मुकाबले इनकी टीम यहाँ पर हारी है। ओपन करेंगे इनकी तरफ से अब्दुल कादिर और MD ओमर फारूक। अब्दुल कादिर ने 2 अच्छी नॉक खेली है, 23 और 44, लेकिन उसके अलावा 2-3 मैच में जल्दी भी आउट हुआ है, तो ये कहना कंसिस्टेंट नहीं है, या तो अच्छा खेलता है या फिर बहुत बुरा खेलता है। मोहम्मद उमर फारूक बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लास्ट के 6 मैचेस में 4 विकेट, बल्ले से यहाँ पर 46-08, 26-07 है। आसिफ पथुर लगातार अच्छा गया है, 25-25, 9-53, 8-5 है। तुषार शाह का उतना खास रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, 2-6-6-12-1 है, ये नंबर 4 के करीब बैटिंग कर रहा है, साथ के साथ विकेट कीपिंग करेगा। मोहम्मद बकोर जो है ये इनका मेन बॉलर है जो कि 2 ओवर आपको कंफर्म देगा। लास्ट के जो 5 मैच जिसने खेले उसमें 6 विकेट हैं और बल्ले से 5 नॉट आउट और 40 नॉट आउट है। अल अमीन उल्लास के नाम लास्ट के 6 मैचेस में 4 विकेट हैं और बल्ले से यहाँ पर 7 नॉट आउट और 11 रन है। जमील रजोन की बात करूँ तो 3 मैच में 1 ओवर डाला जिसमें विकेट नहीं है और बल्ले से 1 और 0 है। फैज़ल मुश्ताक ये एक अच्छा पिक बन सकता है, क्योंकि कभी कभी ये ऊपर बैटिंग करेगा ना तो इंपॉर्टेंट रह सकता है, 9 बैटिंग 7 नो बैटिंग 25 नो डाउट है। मजीबुर रहमान 3 मैच खेला है, 3 विकेट है, 2 ओवर कंफर्म ये भी डालता है। T20 में इसके नाम 8 मैच में 4 विकेट है 19 ओवर डाल के। यूसुफ मियां भी इनका बॉलर है जिसके नाम 5 मैचेस में 2 विकेट है और इमोन हसन ने 3 मैच में सिर्फ 1 ओवर डाला है। तो यहाँ से अगर आपको किसी को पिक करना है तो आप रख सकते हो अब्दुल कादिर को, थोड़ा रिस्की रहेगा। इसके अलावा MD ओमर फारूक अच्छा प्लेयर है, आसिफ अतुर अच्छा प्लेयर है, एम बकोर, अल अमीन उल्लास, मजीबुर रहमान अच्छा प्लेयर है, बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे अल अमीन उल्लास, यूसुफ मियां, डेथ के ओवर डालेंगे MD ओमर फारूक, मजीबुर रहमान, यूसुफ मियां। मलो की टीम जो है एक भी मुकाबला नहीं आ रही, बहुत सॉलिड इनकी टीम है। ओपन करेंगे अमनदीप सिंह और उनके साथ में आएंगे आमिर इकरम, और अमनदीप सिंह भाई ओपन के साथ साथ बॉलिंग भी करवाता है, लास्ट के 6 मैच में 3 विकेट, बल्ले से 18-6-17-14-52-52 हैं। आमिर इकरम ने लास्ट मैच खेला था जहां पर लोगों ने इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपन ने इसको टीम में रखा था और इसने 36 नॉट आउट की बहुत अच्छी नॉक खेली थी। क्यों रखा था? क्योंकि ये ओपन करता है, मेरे को पता था, भले इसका बैटिंग ऑर्डर में नाम नीचे था लेकिन मेरे को पता था कि ये ओपन ही करेगा। 45 T10 में 275-10 का एवरेज है। नजम शहजाद बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, इसको ना आप कैप्टन भी कर सकते हो अगर आप रिस्क ले सकते हो, लोग इसके साथ जाएंगे सब मेरे को पता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करता है। 18 1 विकेट था पहले में क्योंकि रन खत्म हो गए थे, अदरवाइज और भी रन बना सकता था। 2022 में भी अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड देख लो, 30 मैच में 688 रन और 17 विकेट है, बहुत शानदार प्लेयर है। मियान साइदी नीचे खेलेगा तो उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। आमिर जेब ने लास्ट मैच में अपने 2 ओवर कंप्लीट किए थे तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, लास्ट के 6 मैच में 2 विकेट है और बल्ले से 23-43-29-16-18 है। असीम सरवार मेन बॉलर, लास्ट के 6 मैचेस में 7 विकेट, बल्ले से 20 नॉट आउट 59 नॉट आउट, 26-1 रन की पारी है। जुल्फिकार शाह भी अभी नीचे खेल रहा है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 है 1 है 9 बैटिंग है 19 है 9 है और 9 बैटिंग है। रोशन सिंह सिर्फ विकेट कीपिंग के पॉइंट देगा। जयस पोपट भी यहाँ पर बहुत नीचे खेल रहा है। अदनान गोंडल ये आपके लिए ग्रैंड लीग का ट्रंप बन सकता है, क्योंकि ये 2 ओवर अपने कंफर्म डालता है, भले ही पहले मैच में 1 विकेट और दूसरे में विकेट लेस रहा हो, लेकिन अगर आप इसका 2022 का रिकॉर्ड देखोगे 22 मैच में 14 विकेट है, अच्छा बॉलर है, GL में आप ट्राई कर सकते हो। असद महमूद के नाम लास्ट के 6 मैच में 3 विकेट है, ये भी 2 ओवर कन्फर्म डालता है। यहाँ से आप पिक कर सकते हो अमनदीप सिंह, आमिर इकरम, नजम शहजाद, आमिर जेब, असीम सरवार और नीचे से यहाँ पर अदनान गोंडल और असद महमूद, ये 7 प्लेयर इनके अच्छे हैं, बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे असद महमूद, असीम सरवार, डेथ के ओवर डालेंगे अदनान गोंडल और आमिर जेब।
एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने फैजल मुश्ताक को रखा है, जबकि बैटिंग सेक्शन से आमिर इकरम और यहाँ से आसिफ बतूर को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से अमनदीप सिंह, आमिर जेब, नसम सजाद, उमर फारूक को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन से असद महमूद, आसिम सरवार, अल अमीन उल्लास और एम बकोर को रखा है। कैप्टन मेरे यहाँ से अमनदीप सिंह, वॉइस कैप्टन नजम सजाद है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर फाइनल टीम न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स आपको मिलने वाले हैं। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।